क्या आप अपनी सारी फोटो को गूगल फोटोज में रखते हैं? क्या आप गूगल फोटोज की सारी फोटो को एक ही क्लिक में डाउनलोड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हम अपनी फोन की स्क्रीन पे हैं। ये मेरा फोटोज ऐप है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। और दोस्तों फोटोज ऐप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपके फोटोज ऐप में जितने भी फोटो है इसे अगर आप चाहते हैं एक ही क्लिक में डाउनलोड करना, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आप उन सभी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ से मैं इन सभी फोटो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। एक ही बार में सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे टुडे पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी सारी आज का फोटो सिलेक्ट हो जाएंगी। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे मैं कल का भी कुछ फोटो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे अगर यस्टरडे पे क्लिक कीजिएगा तो कल के डेट में आप जितने भी फोटो क्लिक किए होंगे वो सभी एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये आपका जो फोन में फोटो सेव रहता है, गूगल फोटोज पे अपलोड नहीं रहता है, उसको ये डाउनलोड नहीं करता है, आपके फोन में ये छोड़ देता है। तो यहाँ पे ये जितने भी फोटो है मैं इन सभी को फोटोज ऐप पे डाउनलोड करके रखा हूँ। इनमें से ये जो 5 फोटो है ये गूगल फोटोज पे अपलोड नहीं है, इसलिए ये सब फोटो डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फोन में पहले से ही है और ये सभी फोटो मेरा गूगल फोटोज पे अपलोड है। तो इसे एक क्लिक में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस शेयर वाले आइकॉन पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखलाई दे रहा होगा सेव टू ड्राइव। अगर आपके फोन में ये ऑप्शन नहीं दिखलाई दे रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा मोर पे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखलाई देने लगेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेव टू ड्राइव पे, और यहाँ पे दोस्तों आप उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से आप अगर फोल्डर क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करके आप अपने फोल्डर का नेम दे सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट नेम जो है मैं उसी का एक फोल्डर बना ले रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सिलेक्ट। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेव, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेव। दोस्तों अब ये जो फोटो है गूगल ड्राइव पे अपलोड होने लगता है, तो यहाँ से हम इसे सीधे कट करते हैं और चलते हैं अपने हम ड्राइव में, अपने ड्राइव को ओपन करते हैं। तो दोस्तों ड्राइव में ये जो फोल्डर हम अभी क्रिएट किए हैं इस फोल्डर को अगर हम ओपन करते हैं तो हो सकता है आपके फोन में ये फोटो डाउनलोड ना हुआ हो और ऐसा दिखलाई दे रहा हो। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आप आ जाइएगा बैक, और यहाँ पे इस 3 लाइन पे क्लिक कर देने के बाद आप जाइएगा सेटिंग्स में, और यहाँ पे आपको सबसे नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर फाइल ओनली ओवर वाईफाई। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ वाईफाई से ही अपलोड होगा, तो इसे हम ऑफ कर देते हैं जो कि हमारी फोन की डाटा से ही अपलोड हो। और यहाँ से आते हैं हम फिर से बैक, तो देखिए ये सभी फोटो गूगल ड्राइव पे अपलोड हो रहा है। दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा आपको वेट कर लेना होगा, ये सभी फोटो जब गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा तब आपको बताऊंगा आगे के प्रोसेस आपको क्या करना है, एक ही क्लिक में ये कैसे सब डाउनलोड होगा। अब दोस्तों देखिए मेरा ये जो फोटो है डाउनलोड होने लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ ये सभी फोटो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा आपको वेट कर लेना होगा, ये सभी फोटो आपकी गूगल ड्राइव में डाउनलोड हो जाएंगी। अब दोस्तों ये सभी फोटो है जो फोटोज ऐप का है सब गूगल ड्राइव में डाउनलोड हो चुका है। आप इन सभी को एक ही क्लिक में अब डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इन सभी फोटो को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इन सभी फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है 3 बिंदु का। यहाँ पे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आप नीचे में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का। तो आप डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये सभी फोटो आपकी फोन की फाइल मैनेजर में डाउनलोड होने लगेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सभी मेरा फोटो है जो फोन की फाइल मैनेजर में डाउनलोड हो रहा है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ से इसे सीधे कट करते हैं और चलते हैं अपने फोन की फाइल मैनेजर में, अपनी फाइल मैनेजर को यहाँ से हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ये फाइल मैनेजर में ये सभी फोटो है। आप इसे डाउनलोडिंग वाला सेक्शन में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग वाला सेक्शन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे ये सब फोटो आप देख सकते हैं।